स्टूडेंट, वंस अगेन मेरी क्लास में, कीर्ति परोह की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, इसके पहले हमने डिस्कस किए थे अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, जिनको बहुत अच्छे से समझा था। और चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, जा रहे हैं लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। ये क्या होते हैं? 3 से 4 नंबर के, 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। और इतने अच्छे से समझिए बच्चों कि आपको वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाए, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, कोशिकीय उपापचय क्या है? व्हाट इज सेल मेटाबॉलिज्म, को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेटाबॉलिज्म। क्या है सेलुलर मेटाबॉलिज्म? तो कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को कोशिकीय उपापचय कहते हैं। किसी भी कोशिका के अंतर्गत जो जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको कोशिकीय उपापचय कहते हैं। इससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में, और साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और वे पदार्थ जो इन क्रियाओं में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे कोशिका उपापचयी मध्यस्थ पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट देखते हैं, सजीव और अजीव अर्थात निर्जीव में अंतर बताइए। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो सजीव और निर्जीव यानी उसको निर्जीव भी बोल सकते हैं, अजीव भी बोल सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? इसके अंतर देखेंगे हम। आप सबको याद हो गए होंगे बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ इसको याद भी करते जाइए। तो पहला अंतर देखेंगे, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, अजीवों या निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। सजीवों में पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है, अजीवों में नहीं होता। तीसरा, सजीवों में गति एवं चलन स्वयं की प्रेरणा से होता है, और अजीवों या निर्जीवों में गति क्या होती है? बाह्य शक्ति द्वारा यांत्रिक गति होती है। सजीवों में उपापचय होता है, अजीवों में उपापचय या मेटाबॉलिज्म नहीं होता। पांचवा, इसमें वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, खुद से ये करते हैं, और इसमें जो वृद्धि होती है वो बाह्य रूप से, हम इसमें एडिट करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। छठवा देखें, इनमें प्रजनन, अनुकूलन आदि क्रियाएं होती हैं, और इसमें इस प्रकार की क्रियाओं का अभाव पाया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलन क्या है? व्हाट इज एडेप्टेशन? मैं यहाँ पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज कर रही है, और यह कैसे होता है? अनुकूलन जो है वो जीवधारियों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे कालांतर में, मतलब अनुकूलन के दौरान, कभी भविष्य में आगे आने वाले समय में संरचनात्मक और क्रियात्मक लक्षणों का विकास करते हैं, और उसकी सहायता से वे आवास में सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं और प्रजनन करके अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कोई भी जाति या कोई भी जीव जो है वो अपनी इच्छा से अपनी परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये जटिल प्रक्रिया है, ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। एक ही समूह के हजारों लाखों जीवों में से कोई एक जीव प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है, उसमें स्वतः अचानक परिवर्तन आते हैं। ऐसा जीव सफलतापूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होता है, वंश वृद्धि करता है। इन जीवों की संतानों में अनुकूलन के लक्षण कैसे हो जाते हैं? वंशानुगत, जिससे वे सफलतापूर्वक नई परिस्थितियों का सामना करते हुए सफल जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब एडेप्टेशन क्या है? जैसे हम ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्रों में जाएं तो वहां के जीवधारियों का जो संरचना, आकृति और कार्यकी है, वो स्थलीय जीवों में रहने वाले के साथ बिल्कुल अलग होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4,
अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है? क्यों है अनुकूलन की आवश्यकता? सिंपल सी बात है, यदि अनुकूलित होगा तो वो प्रकृति के हिसाब से आगे लंबा जीवन जी पाएगा, यदि वो अनुकूलन नहीं करेगा तो उसमें उस परिस्थितियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आंसर देखते हैं, कोई भी जाति यदि सफलता पूर्वक बने रहना चाहती है तो उसे अपने आवास की परिस्थितियों तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, नहीं तो वो कालांतर में क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसके लिए जीवधारियों को समय समय पर अपनी रचना एवं क्रियाकलापों में ऐसे परिवर्तन लाने पड़ते हैं जिससे वो अपने आवास में अधिक सुविधा से फल फूल सके। क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु जीवन का सकारात्मक पक्ष। बच्चों अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मृत्यु जीवन का सकारात्मक पक्ष है, समझाइए। तो आंसर देखें, प्रत्येक जीव के जीवन चक्र की अंतिम और आवश्यक क्रिया मृत्यु ही है। यह जैव मंडल के पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। इसके कुछ प्रमुख महत्व जो है वो निम्नलिखित है, कौन कौन से? पहला है, इसके द्वारा प्रकृति में जीवों की संख्या का संतुलन बना रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप अपने हिसाब से उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। यदि जीवों की मृत्यु ना होती तो विभिन्न जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाती और पूरी पृथ्वी उनसे भर जाती। दूसरा है, इसके द्वारा ऊर्जा एवं द्रव्यों का प्रकृति में संतुलन बना रहता है। थर्ड है, इसके द्वारा ही प्रकृति में पार, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ऊर्जा एवं द्रव्यों का प्रकृति में संतुलन। तीसरे में देखिए, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न तत्वों के चक्रीकरण की क्रिया का संचालन होता है। चौथा, त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाओं के मृत हो जाने से शारीरिक के आंतरिक द्रव्यों की रक्षा होती है, मतलब ऊपर त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं भी मृत्यु को प्राप्त होती रहती है और नई नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे कि शरीर के आंतरिक द्रव्यों की रक्षा होती है। तो ये है हमारा मृत्यु जीवन का सकारात्मक पक्ष है, इसको समझाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो है, वर्गीकरण के कोई 3 महत्व बताइए। हमने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका है तो इसको मैं सीधे, वर्गीकरण द्वारा किसी समूह विशेष का अध्ययन करने पर उस समूह के सभी जीवों के सामान्य लक्षणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यदि हम वर्गीकरण के किसी विशेष समूह का अध्ययन करते हैं। दूसरा, दो विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा आंसर है, इसके द्वारा ही जैव विकास को समझने में सहायता मिली है कि अभी तक जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, ये हमको किसके माध्यम से पता चला, वर्गीकी और वर्गीकरण के माध्यम से पता चला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द्विजगत वर्गीकरण क्या है, इसकी प्रमुख कमियां बताइए। तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। दो वर्ग में बांटा था इसने, पादप जगत और जंतु जगत, और इसकी जो पद्धति थी ये क्या कहला गई, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कहलाई, यानी बायनोमियल क्लासिफिकेशन, बायनोमियल क्लासिफिकेशन कहलाई ये पद्धति। अब इसकी कमियां क्या क्या थी? पहली बात, इनने सिर्फ पादप और जंतु जगत के आधार पर बांटा था, तो एक कोश के और बहुकोश के जीवों को भी एक साथ रख दिया। दूसरा, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को भी एक साथ रख दिया। तीसरा, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी उनको भी एक साथ रख दिया। और जंतु समूह में कुछ ऐसे थे जो पौधों के समान थे, और पादप समूह में कुछ जंतु ऐसे थे जो पौधों के समान जैसे जीवों के लक्षणों को इसमें रख दिया। तो ये था द्विजगत वर्गीकरण और उसकी प्रमुख कमियां। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो भी आपके क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? इसके आधार पर दो जीवों के नाम लिखिए। किसने दी थी ये द्विनाम पद्धति? कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। यह जीवों के नामकरण की ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो अक्षरों द्वारा बना होता है। पहला शब्द जो है वो जीव के वंश यानी जीनस तथा दूसरा शब्द जीव की जाति या स्पीशीज को बतलाता है। वंश या जाति के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से एवं जाति नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। ये नाम लैटिन या ग्रीक भाषा के होते हैं। इनके सदैव ही अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में छापे जाते हैं अथवा हाथ से
लिखते समय इनके नीचे लाइन खींची जाती है। तो देखते हैं नाम, तो पहला मनुष्य का नाम देखे तो मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस और इसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है, ये बच्चों ध्यान रखना। दूसरा है गौरैया, इसका नाम है पैथर डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पदानुक्रम से आप क्या समझते हो, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमी स्तरों को स्पष्ट कीजिए, यानी वो टैक्सोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीवों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में व्यवस्थित करना पदानुक्रम या हायरार्की कहलाता है। वर्गीकरण के विभिन्न स्तर इस प्रकार है, पहला है जाति या स्पीशीज, दूसरा श्रेणी या जीनस, तीसरा कुल या फैमिली, चौथा गण ऑर्डर, छठवां वर्ग या क्लास, और छठवां है समुदाय या संघ, और इसके बाद आता है जगत। तो ये आपको याद रखना है, और इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बहुत याद करने के लिए बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बताया था, अभी नहीं बताऊंगी, आपको उससे नोट करना है। इन स्तरों को क्रम के अनुसार मिलती जुलती जातियां एक श्रेणी क्रम में, मिलती जुलती श्रेणियां एक कुल में, मिलते जुलते वर्ग एक समुदाय में या संघ में, तथा एक जैसे समुदाय एक जगत किंगडम में रखे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वंश वृक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वंश वृक्ष बनाते ना हमारे पिताजी, फिर हमारे पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, ऐसे से बहुत लंबी शाखाएं होती जाती है, फिर उनके भाई। तो क्वेश्चन है, जीवों के वंश वृक्ष पर टिप्पणी लिखिए। जाति वृत्ति सिद्धांत के अनुसार जीवों की प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली की तुलना हम ऐसे घने वृक्ष से कर सकते हैं जिसकी पत्तियां किसको दिखाएं, जाति को, छोटी महीनतम टहनियां वंशों को, बड़ी टहनियां कुलों को, और छोटी शाखाएं गणों को, और बड़ी शाखाएं क्लासेस को, और मोटी शाखाएं समुदाय संघों को बताती हैं। आपको मैं एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, आप वंश वृक्ष की जो बनाने की संकल्पना है उसको आप डायग्रामेटिक ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। तो पहला है संघ या फाइलम। वर्गीकी समुदाय में समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्ग अगले उच्चतर संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं। पौधों में संघ के प्रथम स्थान पर प्रभाग का नाम लिखा जाता, वहां संघ नहीं लिखते, डिवीजन लिखते हैं। उदाहरण के लिए जंतुओं के विभिन्न 5 वर्ग हैं, कौन कौन से, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी मिलकर के संघ का डेटा का निर्माण करते हैं। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट शब्द पर। दूसरा आता है वर्ग या क्लास। तो अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राइमेटा एवं कार्निवोरा आदि गण मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, मैमेलिया वर्ग का निर्माण करते हैं। समान लक्षणों वाले अनेक वंश मिलकर के क्या बना लेंगे, कुल का निर्माण करेंगे। जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, 3 विभिन्न वंशों को एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। चौथा है गण। अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण का निर्माण होता है, जैसे क्रूसीफेरी, पेपेवरेसी, कैपेरिडेसी कुल को पेराइटेल्स के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा है वंश। ये समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह होता है। जब जातियों के कई आवश्यक लक्षण समान होते हैं तो वंश का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखो बेटा, पीपल, बरगद, अंजीर सभी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इनके वंश एक ही यानी फाइकस में रखा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किन्हीं 5 हर्बेरियम स्थानों के नाम लिखिए। हर्बेरियम स्थानों के नाम लिखिए, कौन कौन से। पहला है हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। दूसरा है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज, देहरादून। तीसरा है फॉरेस्ट हर्बेरियम, शिलांग। चौथा है IARI हर्बेरियम, न्यू दिल्ली। और पांचवा है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ। इनको आपको बहुत अच्छे से नाम याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बेटा समझा चुकी थी जब मैंने आपको हर्बेरियम पढ़ाया था।
किसी पौधे को हर्बेरियम शीट पर लगाते समय किन बातों का उल्लेख होना चाहिए? तो कौन कौन सी चीजें उनके साइड में बताया था ना, कि एक अपन हर्बेरियम शीट बनाते हैं, उस पर उस पौधे को स्टिक करते हैं, इस प्रकार से अपन ने एक प्लांट को स्टिक कर लिया यहाँ पर, और ये साइड में यहाँ पर इन चीजों को हम देते हैं डिस्क्रिप्शन। पहला फ्लोरा, दूसरा सीरियल नंबर ऑफ प्लांट, तीसरा बॉटेनिकल नाम ऑफ नेम ऑफ द प्लांट, चौथा फैमिली, पांचवा जीनस, छठवा स्पीशीज, सेवेंथ लोकेलिटी, किस स्थान से इसको प्राप्त किया गया है, एल्टीट्यूड कौन से देशांतर से, हैबिट कहाँ पर है, आवाज क्या है उसका, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, इकोलॉजिकल नोट यदि कोई है तो, और कलेक्टर्स नेम यानी जिसने लिखा है। तो ये थे बच्चों हमारे लघुत्तरी प्रश्न। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न, आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है कि सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों को क्या करना है, संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है, जो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। थैंक यू बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट करें, अच्छे से लर्न करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे।